वालेकुम नाजरीन, बात होने वाली है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो इज़ आ स्पेस स्टेशन डेट रिसीव द माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ बेस्ड स्टेशन। जो हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी ना, ये भी हमारे पास जो है अनबाउंडेड और वायरलेस की ही एक टाइप है। ये माइक्रोवेव सिग्नल्स लेगी अर्थ बेस्ड स्टेशन से। इट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट देन बैक टू द डिफरेंट अर्थ बेस्ड स्टेशन। सिग्नल्स आए इनके पास, इन्होंने उसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद इसको जो है रीट्रांसमिट कर दिया। रीट्रांसमिट कहाँ पर किया? अर्थ बेस्ड स्टेशन पर। अब इसमें इन्होंने मज़ीद क्या बताया, सेटेलाइट कम्युनिकेशन प्लेस्ड अबाउट 22,300 माइल्स अबव द अर्थ। ये हमारे पास जो है जो अर्थ है उससे 22,300 मील दूर होती है। ट्रांसमिशन जो अर्थ बेस्ड स्टेशन की होती है सेटेलाइट की तरफ, इसको हम अपलिंक भी कहते हैं। और जो ट्रांसमिशन होती है सेटेलाइट से लेकर अर्थ बेस्ड स्टेशन पर, वो हमारे पास होती है डाउनलिंक, यानी कि जो ज़मीन से सैटेलाइट की तरफ जा रही है, वो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जा रही है ना। नाम से भी पता चल रहा है, एक चीज़ अगर कोई भी चीज़ है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है। सैटेलाइट देखें ज़मीन से ऊपर, मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट है वो जो है ज़मीन से 22,300 मिलीमीटर ऊपर, मील ऊपर है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक चीज़ वो ज़मीन से सैटेलाइट की तरफ जा रही है, यानी कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको हमने अपलिंक कह देना है। और जो हमारे पास सैटेलाइट से ज़मीन की तरफ आ रही है, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर था ज़मीन नीचे थी, तो उसको हम डाउनलिंक कह देंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया बैड वेदर के केस में क्या होता है। बैड वेदर कैन अफेक्ट इट्स क्वालिटी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये इनको भी हम जो है टेलीविज़न में यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम जो है रेडियो कास्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको जो है वेदर फॉरकास्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और सिस्टम में, पोजीटिंग सिस्टम में। और इसके अलावा इसको हम जो है इंटरनेट कनेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है हमारे पास ब्रॉडकास्ट रेडियो की। ब्रॉडकास्ट रेडियो इज़ अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ये मतलब ये भी वायरलेस की ही एक मिसाल है, और अभी हम डिटेल में इन्हीं को ही देख रहे हैं क्योंकि दूसरे हमने पहले देख लिए थे। इट डिस्ट्रीब्यूट द रेडियो सिग्नल्स थ्रू द एयर ओवर अ लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस। इसने क्या करना है, जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको एयर से, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस में जो है स्प्रेड करना है। रेडियो ट्रांसमिशंस जो होती हैं रिक्वायर आ ट्रांसमीटर। उनको जो एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है जो ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स को सेंड करे, और रिसीवर की ज़रूरत होती है जो इनको रिसीव करे। उसके बाद बात आ रही है रिसीवर यूज़ एन एंटीना टू रिसीव द सिग्नल्स। अब जो हमारे पास रिसीवर होता है उसको जो है सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। सम नेटवर्क्स यूज द ट्रांसीवर्स डैट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स। अब कुछ रिसीवर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे भी एंटीनास होते हैं जो हमारे सिग्नल्स को सेंड भी कर सकते हैं, साथ ही रिसीव भी कर सकते हैं। जबकि कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो यूज़ करते हैं ट्रांसीवर डैट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स। उसके बाद हमारे पास बात आती है एग्जांपल की। एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन इज़ ब्लूटूथ। इसके लिए आजकल अक्सर लोगों ने ब्लूटूथ का नाम सुना होगा, तो उन्होंने कहा एग्जांपल जो होती है ना शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट की, वो ब्लूटूथ है। इट यूज़ द शॉर्ट रेंज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट डाटा एट द रेट ऑफ 1 Mbps। ये शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स यूज़ करती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। रेट इसका क्या है,
वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। इसके हवाले से आपको जो भी सवाल है पूछने। अल्लाह हाफिज़।